अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग, स्वागत करता हूँ वापस से एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि जगह ही कुछ ऐसा है। तो आप देख सकते हो एक कितना बड़ा दुर्गा माता जी का मंदिर में मतलब मूर्ति बनाया हुआ है, और ये मूर्ति जो बनाया हुआ है ये मॉरीशस में बना हुआ है। और एक दुर्गा माता जी का मंदिर मतलब मूर्ति है, और उसके साइड में एक शिव जी का भी बहुत बड़ा एक मूर्ति बना हुआ है। तो आज मैं आपको यही सब दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। इस मंदिर के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन मैं जा रहा था कहीं पे ट्रांसपोर्ट में, तो मैं देखा तो मैं रुक गया और यहाँ पे एक वीडियो बनाना चालू कर दिया। तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा बना हुआ है, और ये मॉरीशस में बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और आप देख सकते हो पीछे साइड में कितना मतलब घेरा हुआ है, और मतलब दूर दूर तक फैला हुआ जगह। और आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है, और ये मॉरीशस में बना हुआ, ये काफ़ी अच्छी बात है, और मुझे अच्छा भी लगा देख के। और मैं आपको दुर्गा माता जी का मंदिर जो है ना मतलब नज़दीक में जाके दिखाता हूँ। चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बात, यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आता है बाहर कंट्री से, आप देख सकते हो यहाँ पे आया हुआ है, और हम लोग भी आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, और हम लोग भी घूम रहे हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे घूमेंगे और आपको दुर्गा माता जी का जो स्टैचू वो दिखाता हूँ, उसके बाद शिव मंदिर जो है वो उस साइड में आपको दिखाता हूँ मैं। चलो फिर मैं दिखाता हूँ आपको, नज़दीक से दिखाता हूँ कितना बड़ा मंदिर है। अगर मैं नज़दीक में जाऊँगा ना तो मुझे देख ही नहीं पाऊँगा, आप दूर से देख लो कितने बड़े मंदिर है, और काफ़ी ऊँचा है, और देख सकते हो आप लोग। और शेर जो है ना पूरा गोल्डन कलर का किया हुआ है, और एक देख सकते हो कितना बड़ा है। देख सकते हो आप, टूरिस्ट लोग भी यहाँ पर आता है देखने के लिए, और मैं भी आया था। और अजी हॉलीडे भी है, कुछ है आज त्यौहार जो हम लोग को कंपनी से छुट्टी दिया है, और हम लोग आए हैं देखने के लिए। आप देख ही सकते हो कितना ऊंचा मंदिर है ये। आगे मैं शिव जी का मूर्ति दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो आओ, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी जो पहले देखा ना वो दुर्गा माता का स्टैचू था, और आपको जो दिखा रहा हूँ वो शिव जी का है। वो पास में ही है, वो देख सकते हो। उधर कैमरा घुमाओ आप, उधर उस साइड में घुमाओ आप कैमरा। हाँ देख सकते हो, आओ आओ मेरे साथ पीछे। और ये जो है ना एक हाईवे है, और यहाँ से देखो वहाँ तक हाईवे है, मुझे हाईवे पार करके उस साइड जाना है। तो हाईवे थोड़ा पीछे साइड में दिखा दो। हाँ और चलो फिर चलते हैं उधर, उनको गाड़ी जाने दो नहीं तो ठोक देंगे। हाँ चलो फिर मैं जल्दी जल्दी। कौन सा त्यौहार है? आज कौन सा त्यौहार है भैया? और भी बहुत मतलब दूर बहुत दूर में फैला हुआ है। हाँ बहुत, ये तालाब तक जाएंगे वहाँ। ये तालाब मतलब पूरा घिरा हुआ है, मैं मैप्स में देखा था, तो ये भी दिखाया था, लेकिन वो आगे मतलब समंदर भी था, तो उधर दूसरी साइड में भी है। समंदर नहीं है ये, एक तालाब है। आप सब जहाँ जहाँ जाएंगे सब देखेंगे वहाँ पे। हनुमान जी का मंदिर भी है वहाँ पे ऊपर में, वहाँ श्री शर्मा आप जा सकते हैं। हाँ ठीक है, आप लोग तो लेके जाओ ना, आपके साथ ट्रांसपोर्ट में आया हूँ। नहीं ट्रांसपोर्ट नहीं जाते हैं, पैदल जाना पड़ेगा। पैदल चलते, बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा, वो एक दिन में नहीं घूम सकते। हाँ एक दिन में घूम नहीं सकते, इतना बड़ा है। हाँ बहुत बहुत चीज़ है यहाँ आपको देखने के लिए, सभी मतलब टूरिस्ट लोग भी यहाँ पर आता है देखने। हाँ सब लोग, मुझे तो मालूम नहीं था, तो मैंने एक मोरीशन भाई से पूछा, उसने मुझे यहाँ के पूरे डिटेल्स बताया। इस जगह का नाम है गंगा तालाब। आप देख सकते हो शिव जी का कितना बड़ा मूर्ति बना हुआ है यहाँ पे, और मॉरीशस में सबसे ज़्यादा बड़ा मूर्ति यहीं पे बना हुआ है शिव जी का। उधर दिखा थोड़ा कैमरा, और वो जो देख रहे हो ना वो दुर्गा माँ का स्टैचू बना हुआ है। और अभी इधर दिखाओ कैमरा थोड़ा,
और इस साइड में शिव मंदिर का है, इस जगह का नाम है गंगा तालाब। आप देख सकते हो टूरिस्ट लोग भी यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, और मैं भी आया हूँ आज देखने के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि मैं पहले नहीं आया, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था यहाँ पर आने के लिए। मैं काफ़ी लोगों को बोला भी मुझे लेके चलो, लेकिन लेके नहीं आया, लेकिन आज मैं आया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। गणपति जो होता है ना यहाँ पे मॉरिशस में, और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ का भी गणपति विसर्जन जो किया जाता है इस गंगा तालाब में भी किया जाता है, और मुझे पता नहीं था लेकिन मैं यहाँ पर आया तो पता चला। और आप इधर दिखाओ कैमरा। और ये शिव मंदिर का जो मूर्ति बना हुआ है ना, 2006 में बना है। आप देख सकते हो वहाँ पे 2006 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो पीछे साइड में। सच में मैं कभी लाइफ में नहीं देखा था, पहली बार देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो पीछे साइड में काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, देख ही सकते हो कितना आदमी है। तो उसके साथ मैं भी आया हूँ और अच्छा लग रहा है। चलो मैं पीछे साइड से आपको दिखाता हूँ। मुझे तो मालूम नहीं था ऊपर भी जा सकता हूँ, मैं ऊपर भी जाके दिखाता हूँ आपको। चलो ऊपर चलते हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ और देखा तो आपको कितना बड़ा स्टैचू बना हुआ है, और ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है जगह, देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो गंगा तालाब की बात कर रहा था ना, वो उस साइड में है गंगा तालाब, और आप देख सकते हो कितने बड़े मंदिर है। मेरा तो ऊपर तक हाथ में नहीं जा रहा है, और मैं आपको पूरा साइड में घुमा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो वो है दुर्गा माता जी का स्टैचू, और ये है शिव जी का स्टैचू, और मॉरिशस में सबसे बड़ा स्टैचू यही है। और मुझे तो पता नहीं था, मैं आके यहाँ पे देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं सुना था, कभी देखा नहीं था। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा स्टैचू है, मैं तो हाथ भी नहीं पहुँच रहा वहाँ तक। आप देख सकते हो आज जो है ना तमिल लोग का कुछ पूजा है, तो पूजा के बारे में मालूम नहीं है, तो सब कोई उम्मीद लेके आ रहा है अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए, और काफ़ी लोगों का मनोकामना पूरा भी हो जाता है। और मुझे भी जो मनोकामना होता है ना वो सबका पूरा होता है, लेकिन मैं एक साल से सोच रहा था यहाँ पर आने के लिए लेकिन आ ही नहीं पा रहा था। तो आज मैं फाइनली आ गया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी लोग देख सकते हो यहाँ पर पूजा करने के लिए आ रहा है। और आप देख आपको दिखाया, अब मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हो सब थाली लेके और बैग लेके आ रहा है पूजा करने के लिए। अभी मेरा तो अब मैं नीचे जाता हूँ और मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ। चलो फिर आप जो पीछे साइड में देख रहे हो ना, यही एक तालाब जो गणपति विसर्जन यहाँ पे किया जाता है, और काफ़ी बड़ा तालाब भी है। तो चलो फिर नीचे चलता हूँ। और गंगा तालाब तो सही से नहीं दिखा पाया, और मैं अकेला नहीं आया था, मेरे साथ बहुत आदमी है ना, इसलिए मैं कहीं रुक के अच्छे से वीडियो नहीं बना पाता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह पे। तो फिर चलो फिर चलता हूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, और गुड नाइट नहीं बोलूँगा क्योंकि रात अभी है नहीं, दिन है, क्योंकि मैं सुबह को वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।